समलिंगी आकर्षण है क्या करे, इसके बाद में आज एक मेरे पास में पेशेंट आए थे तो उनके बारे में आज मैं बता रहा हूँ, बातचीत करेंगे उसके बारे में, थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर लेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। बड़े कंपनी में आईटी कंपनी में काम करने वाला एक लड़का उसके पिताजी को लेकर मेरे पास में आया, एक्चुअली पिताजी ने उसको लाया, वो तो खुद आया नहीं। और पिताजी उसके बोल रहे कि भाई मेरे लड़के को पिछले 4 साल से एक समलिंगी आकर्षण है, तो इसके लिए कुछ तो भी इलाज करो, इसके लिए क्या कर सकते हैं। मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप बोलो इसको क्या चाहिए, लड़के को क्या चाहिए। लड़का बोले मैं तो ऐसे ही आ गया, मेरे पिताजी ने लाया करके, मैं तो ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अभी प्रॉब्लम नहीं, मगर आपको है क्या समलिंगी आकर्षण। बोले हाँ, मेरे मुझे लड़के भी दोस्त है, लड़कियाँ भी दोस्त है, बड़े सिटी में रहता हूँ मैं तो, वहाँ तो बहुत ही फ्री वातावरण है, मगर मैं लड़कियों से जो बात करता हूँ तो मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं होती और ऐसा लगता है कि नहीं बात करूँ, लड़कों से बहुत मैं प्यार से रहता हूँ। अच्छा, मैंने उसको पूछा कि भाई क्यों आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप हुए लड़कों के साथ में। बोले नहीं, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नहीं हुआ, किसके भी साथ में नहीं, बॉडी टच भी नहीं है, मगर मुझे बहुत आकर्षण है लड़कों के साथ में और मुझे मजा आती है उनके साथ में बात करने के लिए, और लड़की बोले तो मुझे मजा नहीं आती। तो फिर अभी पिताजी को ये हो गया कि नहीं भाई, इसका जो है ये प्रॉब्लम जो है ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि अभी लड़का बड़ा हुआ है, बड़े भाई की शादी अभी हो गई, तभी इसकी शादी करना जरूरी है, और ये बोलता मुझे शादी करनी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं शादी करने में लड़की के साथ में। फिर मतलब भाई लड़कों के साथ में शादी करने में इंटरेस्ट है? नहीं, बोले वो तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं शादी करूँ, और आकर्षण तो है, मतलब तू बातें कुछ छुपा रहा है, पता ही है कि भाई सच्चे आपका कुछ कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। बोले हाँ, कभी कभी जब जाता हूँ मैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि कहाँ ना कहाँ हाथ घस जाएगा, संपर्क में आएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये देखता हूँ कि भाई एक्सटर्नल जो कॉन्टैक्ट है वो जितने हो सकते उतना मुझे मजा आते रहता है। उसको खुद को प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बोला भाई देखो, आपको जो भी करना है हो, मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यदि उसकी इच्छा है, मेरे पास में जो आते हैं होमोसेक्सुअल इंक्लिनेशन बोलो, होमोसेक्सुअल आकर्षण उनको है, मगर जो खुद होके आते हैं बोलते कि नहीं अभी हमको ये आकर्षण जो है वो बंद करना है और मुझे लड़की के साथ में शादी करना है, ऐसा कुछ लेके आते हैं, तो फिर उसमें मैं मदद कर सकता हूँ, क्योंकि उसका जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन अपन चेंज कर सकते हैं, दैट इज अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। मतलब उसने विनती किया कि नहीं मुझे ऐसा ऐसा है, मुझे यहाँ से मुझे ये करना है, तो फिर हम कर सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, और नहीं तो फिर नहीं, उसका जो आकर्षण है वो बदल सकते हैं, तो हम नहीं तो अदरवाइज नहीं कर सकते, ये कुछ जबरदस्ती से होने वाला काम है नहीं। मैंने बोला भाई हम हिप्नोथेरेपी के जरिए विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस उसको विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन के टेक्निक के जरिए आत्म सुझाव मतलब सेल्फ सजेशन के जरिए उसको हम सिखाते हैं और धीरे 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 उसका जो आकर्षण है वो लड़कों के तरफ से लेकर लड़कियों की तरफ बढ़ते रहता है। मगर उसके लिए सबसे पहले शर्त यह है कि उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए। यहाँ जब उसके पिताजी की इच्छा थी, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पहले आप सोचो कि क्या करना है, मतलब देखेंगे तो, लेकिन नहीं इनकी इच्छा है करके मैं आया हूँ, मतलब पिताजी की इच्छा है, उनकी इच्छा है कि मैंने शादी करना चाहिए इसलिए मैं, अदरवाइज मैं जो हूँ एकदम खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छा खासा पैसा उड़ाता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, मजा करता हूँ, और मुझे ऐसा ये शादी करना बच्चे करना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं काफ़ी बड़े पोस्ट पे हूँ कंपनी में और मैं वहाँ खुश हूँ। मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जहाँ हो वहाँ ठीक रहो, खुशी में रहो। यदि आपको ऐसा कुछ लगा कि मैं ना खुश हूँ, यदि आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं मुझे थोड़ा चेंज करना है, शादी करना है, कुछ तो भी अलग, मतलब बाकी जो लोग जैसा जी रहे वैसा मेरे दोस्तों जैसा जीना है, शादी करना है, तो कभी भी आ जाना, तो ये बोल के मैंने उनको विदा कर दिया। और ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को है, अभी आ सकता है, और काफ़ी माँ बाप परेशान भी है इसमें कि बच्चे नहीं बोलते शादी करने के लिए, क्यों नहीं बोलते, और वो असली बात लेके बाहर आता ही नहीं है, लड़कियां भी नहीं बोलती है, हमको समझता ही नहीं कि भाई ये नहीं क्यों बोलती शादी करने के लिए, और फिर ज़बरदस्ती उनको हाँ बोलने लगा है कि शादी करो, तो फिर वो पसंद नहीं करते। मतलब कोई भी लड़की बताओ ये नापसंद करेगा, लड़की को कोई भी लड़का बताओ वो नापसंद करेगा, इनमें तो पसंद ही नहीं है, कुछ ना कुछ खामियां निकालेंगे, वो लेकिन पसंद नहीं है, तो फिर वो हमको इसमें देखना पड़ेगा कि उनका एक्चुअली सोर्स क्या है, ये क्यों नहीं बोलते हमको शादी करना है, क्यों नहीं आकर्षण है, तो ये देखना पड़ेगा, और हम देखते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, कम से कम मतलब मन को शांति मिलेगी सबको कि भाई ये ऐसा ऐसा डायग्नोसिस है, ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बोले तो प्रॉब्लम है बोले तो नहीं है, तो इसका क्या किया जाए उसके बारे में बैठ के चर्चा हो सकती है, और लोग शांतिपूर्ण वातावरण में अपना जीवन जी सकते हैं, खुशी से जी सकते हैं, बस इतना ही मुझे कहना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।